हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज की वीडियो एक पीएसए है, यानी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। और आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों आपको शायद 27 इंच वाले मॉनिटर्स, 1080p मॉनिटर्स नहीं खरीदने चाहिए। एक दो रीजंस है उसके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस है मेरे ख्याल से। एक ऐसी वीडियो है जो बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल की है कि मतलब मैं आपको डायरेक्टली मना कर रहा हूँ, या फिर मैं आपकी बात शायद सुनूं भी ना। ये मेरा बहुत ही पर्सनल बिलीफ है एंड मैं चाहता हूँ उस पर्सनल बिलीफ को आप फॉलो करें। उसको आप समझ सकते हैं कि मैं एज एक्सपीरियंस यूजर की तरह बोल रहा हूँ, या फिर आप समझ लें कि मैं आपको बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, या फिर भाई की तरह बोलो, जैसे भी आपको रिश्तेदार दोस्त जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। तो आजकल सेल्स वगैरह चले, काफी लोग अपने है ना पीसी के लिए मॉनिटर्स वगैरह खरीद रहे हैं एंड उनके पास सच बताऊं तो अगर बजट में देखा जाए ज्यादा लोग तो है ना बजट के अंदर खरीदते हैं, 15,000 रुपीज के अंदर ही खरीदते हैं अपने मॉनिटर्स। तो उस केस में आपके पास तीन स्क्रीन साइज सबसे ज्यादा कॉमनली अवेलेबल है, 22 इंच, 24 इंच, 27 इंच। ठीक है, तीनों में सच बताऊं सबसे ज्यादा जो कॉमनली बिकता है वो 24 इंच है एंड उसके बाद 27 इंच है। मैंने रिसेंटली पोल कराया था, उसमें ऑलमोस्ट 27 या 30% लोगों ने ये कहा कि उनके 27 इंच 1080p मॉनिटर्स है। तो मेरे ख्याल से काफी बड़ी जनता है जो सीधा 27 इंच मॉनिटर्स खरीद लेती है। सबसे पहला पॉइंट क्यों आपको 27 इंच मॉनिटर्स नहीं खरीदने चाहिए वो है लो पीपीआई, या फिर लो पिक्सल्स पर इंच ऑफ द डिस्प्ले, या फिर लो पिक्सल डेंसिटी। तो अगर हम लोग डायरेक्टली 24 इंच और 27 इंच के मॉनिटर्स को, 1080p मॉनिटर्स को कंपेयर करें फॉर द पीपीआई, 27 इंच में हमें मिलते हैं 81.6 PPI, 24 इंच मॉनिटर पे हमें मिलते हैं 91.8 PPI. There is almost a 10 PPI of difference. अब वो सुनने में ज्यादा नहीं लगता कि 10 PPI है, लेकिन वो एक्चुअली काफी ज्यादा होता है। 27 इंच पे 1080p बहुत बेकार दिखता है। वो आपको आपने सुना होगा पिक्सल्स फटे हुए हैं, या फिर आप जब ना जूम करते हो किसी इमेज को, जब वो छोटी क्वालिटी की, लो क्वालिटी की इमेज होती है, लो रेजोल्यूशन की इमेज होती है, जब उसको जूम करते हो वो इमेज की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, वो ब्लॉकी दिखने शुरू होती है, वो शार्पनेस उसकी कम हो जाती है। एंड सेम आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो एक लो पीपीआई डिस्प्ले पे। आप ऑब्वियसली शार्पनेस के यूज टू हो जाते हैं, लेकिन आप जब साइड बाय साइड देखते हैं ना तो आपको तब रियलाइज होता है कि कितना आप शार्पनेस मिस करो जस्ट बिकॉज ऑफ द लो पीपीआई। ठीक है, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट अगर आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट के साथ काम करते हो, अगर मान लीजिए आप कोडिंग वगैरह करते हो, बहुत ज्यादा बना वेब सर्फिंग वगैरह करते हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम कुछ रहता है, तो उस केस में आप टेक्स्ट के साथ कुछ भी जहां पे छोटे लेवल का कुछ भी आपको चाहिए ना, तो वहां पे आपको बहुत ही जैगेड लाइंस दिखने को मिल जाती है। जैगेड लाइंस का मतलब है कि वो जो लाइंस है जहां पे सर्कुलर, जैसे मान लीजिए बी लेटर है तो बी के जो सर्कल्स है, सेमी सर्कल्स है, तो वो स्मूथ सेमी सर्कल की जगह कुछ डॉट डॉट से दिखने जाना शुरू हो जाते हैं अगर आप बहुत ही छोटे लेवल का कोई अक्षर देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 100 PPI होना जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप है ना किसी अपने फोन का पीपीआई देखेंगे, जो आजकल नॉर्मल 10-15 हज़ार रुपए के भी फोन्स है ना, तो उनका जो पीपीआई डेंसिटी मतलब पिक्सल डेंसिटी है वो करीब करीब 300 PPI के ऊपर है। सो पीपीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से 24 इंच बिना 1080p के लिए सबसे सही नहीं है, एक्चुअली सबसे बेस्ट रहता है 22 इंच। एक 24 इंच की स्क्रीन के जहां पे पीपीआई नंबर है 91 के आसपास, 22 इंच का स्क्रीन है वो फाइनली जाके क्रॉस करता है 100 PPI। बट अनफॉर्चुनेटली 22 इंच के जो पैनल्स होते हैं वो जनरली बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाले पैनल्स आपको नहीं मिलते। एंड 27 इंच के लिए मेरे ख्याल से मिनिमम रेजोल्यूशन होनी चाहिए 2K। एक 2K 27 इंच मॉनिटर की जो पीपीआई होती है वो होती है करीब करीब 109 के करीब, एंड वो मेरे ख्याल से मिनिमम उतना शार्प होना चाहिए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक 4K मॉनिटर थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करा था, अब मैं ये कहूंगा वो जो 2K मॉनिटर है ना वो भी थोड़ा कम शार्प लगना शुरू हो गया मुझको। सो आई डोंट नो, आई थिंक 25 इंच 2K मॉनिटर विल बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी। एंड मुझे थोड़ा चीज़ें छोटा छोटा देखना पसंद है, मुझे अगर टास्क बार वगैरह भी हो या फिर जो आइकन्स वगैरह भी ना हो अपने स्क्रीन पे, चाहे फोन हो या फिर अपना मॉनिटर, मुझे छोटा छोटा अच्छा लगता है। होता है ना जो अंकल लोग होते हैं या फिर आंटी लोग होते हैं जो बड़ा बड़ा एकदम है ना मैग्नीफाइड पूरा आइकन्स वगैरह देखने की आदत है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। नो ऑफेंस अगर आपको चश्मा वगैरह लगा हुआ है, देयर इज विजन प्रॉब्लम एंड उसकी वजह से आपको बड़ा रखना पड़ता है। अदरवाइज अगर आपके लाइक मैं अज्यूम करता हूँ अगर आंखें हेल्थी है तो उस केस में यस आपको पीपीआई पे जरूर कंसिडर, पीपीआई जरूर ध्यान देना चाहिए एंड उसके हिसाब से अपने परचेज डिसीजन को बेस करना चाहिए। सो एक सेकंड पॉइंट क्यों 27 इंच के साथ प्रॉब्लम होती है वो है एक्चुअली सेटिंग डिस्टेंस वाला पॉइंट, कि आप अपने मॉनिटर के बहुत ज़्यादा पास बैठते हो। एंड मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादातर जो मेरी ऑडियंस है जिनको मैं एटलीस्ट जानता हूँ, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास ज़्यादातर जो टेबल्स है वो अपने 2 फीट वाले टेबल है, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके पास 2.5 फीट या 3 फीट वाले टेबल्स अपने डेस्क है, कंप्यूटर डेस्क है। एंड जब आप ना 2 फीट के डेस्क पे एक मॉनिटर रखते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास लो बजट है इसलिए मॉनिटर स्टैंड भी नहीं है, तो जब आप एक्चुअली 2 फीट के टेबल पे मॉनिटर रखते हैं तो जो डिस्टेंस है आपका, आपके आंखों और है ना
आपके मॉनिटर के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी वजह से अगर आपको 27 इंच या 1080p मॉनिटर लेना भी है तो प्लीज़ ये इंश्योर करें कि आपके और आपकी स्क्रीन के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस हो, एटलीस्ट मैं कहूँगा 2.5 feet का डिस्टेंस हो। एक 27 इंच के मॉनिटर को ज़्यादा जगह भी चाहिए होगी। अगर आपके पास डेस्क रखने की 4 feet का डेस्क है तो वहाँ पर 27 इंच का मॉनिटर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। स्पेशली आजकल जो मॉनिटर आते हैं उनके कुछ कुछ स्टैंड्स तो बहुत ही बेकार के होते हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के स्टैंड होते हैं। अनलेस आप ना एक मॉनिटर हम लेते हैं जो अच्छी बात है, टेबल पर बहुत ज़्यादा जगह क्लियर हो जाती है आपको, है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना हाथ हिलाने की जगह मिल जाती है या फिर चीज़ें रखने की जगह मिल जाती है टेबल स्टैंड से, सॉरी मॉनिटर आर्म से। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ डोंट बाय 27 इंच मॉनिटर्स अनलेस यू आर ओनली गेमिंग। आप गेमिंग के अलावा कुछ नहीं करते, ठीक है, गेमिंग भी मैं कहता हूँ सिर्फ सिंगल प्लेयर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, मल्टीप्लेयर गेम्स नहीं, बिकॉज मेरे ख्याल से मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए भी ना शार्पनेस थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर खासकर आपको दूर के हेडशॉट्स लगाने का कुछ काम करना होता है। इफ़ पॉसिबल अगर आप सिर्फ टेक्स्ट के साथ काम करते हैं आपको गेमिंग से कोई मतलब नहीं है, 22 इंच 1080p मॉनिटर्स आर मोर सूटेबल इन माई ओपिनियन, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, आपको जो सोचना है सोच सकते हैं। आई थिंक दिस इज द सिंपल वीडियो, बाकी मॉनिटर्स के रिव्यूज मैंने कुछ एक दो किए हैं, आप जरूर एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब में स्वाद अनुसार करते रहे, मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन।